बताना चाहेंगे कि देश में यूपीएससी ने 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार के नतीजों में हरियाणा की लड़कियों ने भी अपना दमखम दिखाया। हरियाणा की बेटी अंकिता पवार यूपीएससी में 28वां रैंक हासिल करती हुई दिखी। वहीं जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने अंकिता पवार से खास बातचीत की है, सुनिए। यूपीएससी के नतीजे जारी हुए हैं और देश भर के युवाओं ने इस बार कमाल किया है। जिन युवाओं ने मेहनत की थी उनको उसका रिजल्ट भी मिला है और इसी कड़ी में हरियाणा के युवाओं ने भी यूपीएससी में कमाल किया है। काफ़ी युवाओं का, हरियाणा के जो युवा हैं उनका यूपीएससी में चयन हुआ है। मेरे साथ यूपीएससी के रिजल्ट में 28वां रैंक हासिल करने वाली अंकिता पवार और उनका परिवार मौजूद है। पूरे परिवार के साथ जो है, अपने माता पिता के साथ जो वो अंकिता आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और एक अच्छा रिजल्ट जिसे कहते हैं, या यूं कहें कि जो मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट जो है वो आज पूरे परिवार को, अंकिता को मिला है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज जो रिजल्ट है उसमें 28वां रैंक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे इस रैंक को देखने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद पेरेंट्स के और आपके चेहरे पर कैसे भाव थे? काफी खुश थे, काफी इट वाज इन मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट बेसिकली फॉर द एंटायर फैमिली। जब इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, जब हम मेहनत करते हैं, तो उसके बाद ये चीजें हमारे जहन में आती है कि सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, या फिर मैंने क्या मिस किया, क्या मैंने अपनी इस अचीवमेंट के पीछे क्या क्या चीजें रही। तो आपके लिए ये रिजल्ट देखने के बाद इस तरह का जो जहन में आया उसमें सबसे अहम बात क्या थी? बेसिकली यही था कि फाइनली द हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, ऑल दिस इयर्स ऑफ हार्ड वर्क हैज फाइनली बीन फ्रूटफुल एंड यस आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स फॉर बीइंग देयर फॉर द एंटायर जर्नी। इस पूरी मतलब आज के इस रिजल्ट तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स का रहा है। डेफिनेटली। ये जो है वो इससे पहले भी आपने जो है वो यूपीएससी में सफलता हासिल की थी, लेकिन जो आपकी इच्छा थी वो रैंक नहीं मिला था, तो आप 28वें रैंक पे हैं, यानी देश की सेवा के लिए अब आपको जो मौका मिला है, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेंगी, आपने क्या सोचा है कि मुझे किस रूप में आगे बढ़ना है? तो अब जैसे आईएएस में हो ही गया है तो दी प्रायोरिटी इज की टू सर्व द नेशन, जो सोचा था कि जो भी इल्स हैं या फिर जो काम करना है बेसिकली, तो यस आई एम वेरी मोटिवेटेड टू डू दैट राइट नाउ। यानी हर तरह का जो भी समाज के लिए जो मौका मिला है उसमें जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसमें काम करना है, किसी भी रूप में कोई भी जिम्मेदारी हो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना डाइवर्सिटी मिलती है जो इस जॉब में, तो आई विल डेफिनेटली मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इससे पहले भी आपने जो अटेम्प्ट किया था यूपीएससी के लिए, तो लगा नहीं, निराशा नहीं हुई, हौसला नहीं टूटा कि अब नहीं और मेहनत करनी है? मतलब एक होता है इंसान के जीवन में कि अब वो इससे ज़्यादा और मेहनत नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं लगा? मैंने बेसिकली 3 कंसेक्यूटिव मेंस और 3 कंसेक्यूटिव इंटरव्यूज दिए थे एंड दिस वॉज बेसिकली आई डिसाइडेड टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आई हैड गिवन अ लॉट टू दिस जर्नी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी इन द दानिक सर्विस एज वेल। बट येस, तो ये अटैम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, लास्ट अटैम्प्ट सोच के दिया था, तो इट हैज़ पेड ऑफ। ये जो है वो हमारे साथ अंकिता के माता पिता भी है, क्योंकि एक बच्चे की जो मेहनत होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान पेरेंट्स का रहता है। बेटी की इस उपलब्धि पर इनका क्या कहना है? सर, आज बेटी जो है वो देश के लिए जो है वो एक सम्मान के साथ जो पद मिलता है यूपीएससी में, जो एक टॉप रैंक है उसमें बेटी अंकिता ने जो है वो सफलता हासिल की है, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई थी, हमें पता लग गया जब इसका 28वां रैंक आया है जी। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जी। अंकिता ने ठाना है कि मैं देश की सेवा करूंगी, क्योंकि ये बीटेक करने के बाद कंपनी में जॉब की इसने जी। लेकिन इसने वहाँ देखा, यहाँ तो अपने लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक समाज के लिए, नेशन के लिए यहाँ मैं ज़्यादा नहीं कर सकती जी। यदि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगी तो पॉलिसी मेकिंग में मेरा डिसीजन मेकिंग में हाथ होगा जी। और मैं समाज की सेवा, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, महिलाओं की जी। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है जी। तो परिवार से भी काफ़ी इसको प्रेरणा मिली है, क्योंकि हमारा परिवार एक किसान परिवार से हम संबंध रखते हैं और सैनिक परिवार से भी संबंध रखते हैं, तो हमें ग्राउंड रूट से हम चल के आए हैं जी। और एजुकेशन में इसने देखा, भाई पेरेंट्स सब इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसने भी खूब मेहनत की और प्लस टू में इसने चंडीगढ़ में टॉप किया, चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में। उसके बाद इसने आईआईटी किया तो आईआईटी में भी टॉप किया जी। तो हमें उस पर शुरू से ही नाज था, शी इज़ टैलेंटेड गर्ल, और उसने करके दिखाया हमें। फर्स्ट चांस में इसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड में सी गॉट 321 रैंक एंड नाउ सी इज सर्विंग डायनेक्स ऑफिसर। She served SDM Delhi Central, Assistant Municipal Commissioner in MCD Delhi, and she is doing well. And she is very devoted for the poor and
जो वंचित वर्ग है उसके लिए काफ़ी ये इसके मन में उनके करने की लालसा है जी। तो ये बेटी की जो उपलब्धि है, एक माँ जो है वो हमेशा ध्यान रखती है कि बेटा या बेटी जब पढ़ाई करते हैं, खेलने जाते हैं, तो उसका ये फोकस होता है कि उनको ठीक डाइट मिले, वो पढ़ाई करें, तो चिंता होती है कि बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, रेस्ट भी करो। तो अंकिता की इस मेहनत के पीछे आपकी ये लगातार इस तरीके की बातें तो रही होंगी। मेरा तो जैसे प्लस टू में थी, ये सोती नहीं थी, रात को 1 बजे तक पढ़ती, 2 बजे तक, मैं 10 बजे ही बोलती थी बेटे सो जाओ, आपका काफ़ी है, इसमें अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इसको शुरू से ही थोड़ा रिलैक्स करने का काम करती थी। मतलब ये हमेशा आपने कोशिश की, क्योंकि एक माँ की चिंता सबसे ज्यादा बच्चों के लिए यही होती है जी, प्रेशर ना रहे जी। उसको थोड़ा रिलैक्स करने का काम मेरा होता था, थोड़ा डाइट का, खाने पीने का ध्यान रखना, इसको थोड़ा रिलैक्स करना, मेरा यही था। तो आज बेटी की उपलब्धि पर गर्व हो रहा है? गर्व है जी, बहुत गर्व है, पूछो ही नहीं, आज से ज्यादा मैं बहुत खुश हूँ जी। ये देखिए तस्वीर जो है वो भावुकता इसमें झलक रही है इन तस्वीरों में, चूंकि एक माँ बाप के लिए जब बच्चे मेहनत करके सफलता हासिल करते तो इससे ज़्यादा खुशी का कोई क्षण नहीं होता। सर ये बताइए कि बेटी ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, आप ये मानते हैं कि इस बार का जो UPSC का रिजल्ट है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चार जो टॉपर हैं चारों लड़कियां हैं, बेटियां हैं, ये भी अपने आप में गर्व की बात है। समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? समाज को देंगे कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, उनको मौके दो, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन मौका नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्र में उनको शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजते, यदि उनको प्रॉपर सुविधाएं मिले, मौका मिले, तो दे कैन डू ए लॉट। तो इसके लिए मैं, अंकिता ने जो इस ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए मेरे परिवार का भी काफ़ी सहयोग रहा है। मेरे जो बड़े ब्रदर्स हैं उनका भी टाइम टू टाइम वो गाइडेंस उन्होंने दी है, मोटिवेशन किया है, और हर पल पे उनका सहयोग रहा है। यानी अंकिता जो है वो अब IAS अफसर बन गई है इस रिजल्ट के बाद, लेकिन आप जो ये 28वां रैंक है अपने आप में बच्चों के लिए और ज़्यादा जो है वो प्रेरणा देने वाला है। एक किसान परिवार से, सैनिक परिवार से, जींद जिले के जुलाना के एक गांव से चंडीगढ़ पहुंचकर मेहनत अंकिता की और परिवार का साथ, यानी सफलता के लिए सब कुछ एक तरह से मिला जुला सहयोग रहना जरूरी है। यस यस, हाँ जी, सबका सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो बेटा है, बेटा भी काफ़ी टैलेंटेड है, उसने भी IIT कानपुर से BTech पास आउट किया है। बड़ी बेटी है, उसने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से BTech के बाद नाउ शी इज मैनेजर इन SBI मुंबई। तो बच्चों की मेहनत भी है, बाकी परिवार के संस्कार भी हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने देखा है कि आर्मी में थे वो, तो वहाँ एक जवान की क्या वैल्यू है, एक ऑफिसर की क्या वैल्यू है। तो उसके बाद उन्होंने ठाना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने अपने खेती बाड़ी के साथ साथ, और हमने भी यही किया। यहाँ रहने के बाद मेन फोकस स्टडी का था, बच्चों का मतलब यदि एजुकेशन अच्छी होगी तो वो अच्छे काबिल बनेंगे, देश की, समाज की सेवा करेंगे। अंकिता, आपसे लास्ट सवाल है, हरियाणा की आप बेटी हैं, अब आप UPSC के 28वां रैंक आपने लिया है, बेटियों के लिए या फिर पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक जब बच्चा चयन होता है किसी जगह पर जब पहुँचता है तो उसकी कही बात की वैल्यू होती है, उसकी बात को महत्व दिया जाता है, आप क्या कहेंगे हरियाणा के युवाओं से या फिर खासतौर पर बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि अपनी मेहनत करते रहो, गिव योर बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अंकिता पवार और पूरा परिवार था, माता पिता साथ थे, बेटी की उपलब्धि पर पूरे परिवार को गर्व है, और खासतौर पर इनके पिता है, उनका ये कहना है कि हम किसान और सैनिक परिवार से जुड़े हुए हैं, और बेटी ने जो ये मुकाम हासिल किया है इसके लिए पूरे परिवार की, समाज का सहयोग मिला है, लेकिन इसमें बेटी ने जो डेडिकेशन दिखाया है, जो मेहनत की है, कड़ी मेहनत जो की है, उसी का आज रिजल्ट उन्हें मिला है। और खासतौर पर अंकिता का ये कहना है कि मेहनत जो है उसका कोई विकल्प नहीं है, यानी आप मेहनत के जरिए ही सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो ये जो वो एक बड़ी बात है कि UPSC का रिजल्ट जो आज घोषित हुए हैं उसमें हरियाणा के कई युवाओं ने जगह बनाई है, और उन्हीं में से एक अंकिता पवार है जिनका 28वां रैंक है, वो इस वक्त अपने परिवार के साथ जनता TV से खास बातचीत कर रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV चंडीगढ़।